आप लोगों ने अपने घरों में बिल्ली, कुत्ते या फिर पक्षी तो बहुत पाले होंगे, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि आपको अपने घरों में सांप पालने हैं तो क्या आप पालोगे? जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान अपने घरों में सांप पालने से डरेगा। लेकिन भारत में एक ऐसा गांव भी है जहां के लोग सांप पालते हैं, उनके साथ खेलते हैं और साथ ही अपने घरों में सुलाते भी हैं। ये गांव महाराष्ट्र से करीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर शोलापुर जिले में स्थित है। इस अनोखे गांव का नाम है शेतपाल, जहां के लोग सांपों के साथ रहते हैं, खाते हैं और खेलते हैं। ये लोग इन सांपों की न केवल पूजा करते हैं बल्कि इन्हें अपने घर पर रहने की जगह भी देते हैं। इस गांव में करीबन 3000 लोग रहते हैं। इन लोगों के घरों में ये सांप आते जाते रहते हैं, लेकिन इन सांपों ने कभी इन लोगों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई। ये सभी सांप काफी जहरीले होते हैं और इस गांव के लोगों द्वारा इन जहरीले सांपों के लिए घर में एक कोना भी बनवाया जाता है जहां ज्यादातर कोबरा सांप आकर रहते हैं। इस गांव में जो भी व्यक्ति नया घर बनाता है वो अपने घर में सांपों के लिए एक विशेष कोना जरूर बनाता है। इस गांव में बच्चे तक सांपों के साथ ऐसे रहते हैं मानो वो उनका दोस्त हो। जब ये बच्चे अपने स्कूल जाते हैं ये अपने साथ सांप लेकर जाते हैं। इस गांव के स्कूल में भी आपको हर तरफ सांप ही सांप दिखाई देंगे। ये बच्चे अपने बचपन से ही इन सांपों के बीच रहते हैं, इसी कारण इन्हें कभी इन सांपों से डर नहीं लगता। वहीं अगर आप इस गांव में घूमने जाना चाहते हैं तो ऐसे में आप ये जरूर सोचेंगे कि यहां जाकर कहीं कोई सांप आपको ना काट ले। लेकिन अगर आप सचमुच इस गांव में जाकर सांपों से दोस्ती करना चाहती हैं तो आप यहां दूध, अंडे और कई सारी चीजें लेकर जा सकते हैं। इन अनोखे गांव के लोगों की इन सांपों के साथ दोस्ती देखकर हर कोई हैरान है और इसी कारण ये गांव पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को फॉलो भी करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।